हेलो दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हमें पढ़ना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और क्वेश्चंस करना है। सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स और डेटर पढ़ लिया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट रिकवरी या बैड डेट के सारी ट्रांजेक्शन, सारे क्वेश्चन कर लिया। अब इससे खतरनाक चीज और कुछ नहीं हो सकता, एडवांस लेवल करा दिया मैंने आपको। बस ठीक है, क्वेश्चन उतना आएगा भी नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे, एडवांस लेवल करा दिया मैंने। पहले तो समझो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या है, इसके बारे में कार्य सुनो और जल्दी चेंज को कौन सा को समझते रहे। और इसमें क्वेश्चन वोशन कुछ है नहीं, नॉर्मल है। देखो, मान लेते हैं सर हमारा बिजनेस है हमारा, और हमारा बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, ये है हम बड़े ही खुश। अब ठीक, अब हम काम कर रहे हैं, अब हमने किसी से माल उधार खरीदा, मान लेते हैं ये हम है मिस्टर अमन, और मिस्टर चमन से हमने सामान खरीदा, और ये है हमने सामान खरीदा इस बंदे से, ये भी कुछ चमन से हमने सामान खरीदा। मैंने कहा बिजनेस ने से क्या करा, परचेज करा, परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, क्या करा हमने, परचेज करा, परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, हमने इससे उधार पे माल खरीदा, हमने माल खरीदा सर इससे उधार पे 2 लाख रुपए। अब मिस्टर चमन के लिए हम कौन हुए, डेटर, और हमारे लिए मिस्टर चमन कौन हुआ, हमारे लिए मिस्टर चमन क्रेडिटर हो गया, हमारे लिए कौन हुआ मिस्टर चमन, क्रेडिटर। तो चमन हमारे लिए क्या हुआ मेरे भाई, चमन हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। दोस्तों अभी तक हम जो सोच रहे थे ना, वो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, अब हम क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और मिस्टर अमन जो हम है, चमन के लिए क्या हो गए, डेटर हो गए। अब अगर हम अभी आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते, मान लो आप चमन हो, तो आप ही सोचोगे कि यार हम डेटर है, और हम डेटर है तो हम डिस्काउंट ऑन डेटर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो डेटर डिस्काउंट ऑन डेटर देता है, वो उसके लिए क्या बन जाता है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बन जाएगा। सोचो ना आप, अगर मैं अपने डेटर को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डेटर के लिए मैं कौन हूं, क्रेडिटर तो हूं, समझो आप। अगर मैंने किसी को माल बेचा है, तो किसी ने मुझसे उधार पर खरीदा है ना, अगर ये मिस्टर चमन ने माल हमें बेचा है, तो हमने इससे माल उधार पर भी तो खरीदा है, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पर उसी क्लास में, पिछली क्लास में हम कहाँ देख रहे थे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अगर हमने माल बेचा ना होकर हमने खरीदा होता, पिछली क्लास में हम माल बेच रहे थे उधार पर, इसलिए डेटर आया था, इस क्लास में क्या कर रहे हैं, माल उधार पर खरीद रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर आ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, डेटर ने क्या कहा, हम गए क्रेडिटर के पास, हमने कहा क्रेडिटर भाई एक काम करो, इसका जो पेमेंट क्रेडिट पीरियड है ना, पेमेंट आपको जो करनी है वो करनी है 1 ईयर के अंदर अंदर। हमने क्रेडिटर वाले से भाई से कहा कि क्रेडिटर भाई अगर हम इसका पेमेंट आपको जल्दी कर दे दो, अर्ली पेमेंट कर दे दो, अर्ली पेमेंट कितनी भाई, मैंने कहा भाई अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके 2 लाख रुपए देते तो क्या होगा, कुछ हमें डिस्काउंट वो मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा डिस्काउंट, हाँ दोस्तों मिलेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिले जाएगा सर। इसने क्या हुआ कि हमें क्या हो गया, डिस्काउंट दिया गया, हमें क्या हो गया सर, डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट दिया गया हमें भी, हमने 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दी। तो हमने जब 1 महीने के अंदर पेमेंट करी, तो हमें 2 लाख रुपए में एट द रेट 2% के हिसाब से डिस्काउंट मिल गया, 2 लाख रुपए में एट द रेट 2% के हिसाब से क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और कितना डिस्काउंट मिल गया, 4000 रुपए। दोस्तों ये 4000 रुपए हमारे लिए क्या हुआ बताना, डिस्काउंट किसने दिया, ने दिया, और ये 4000 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, ये 4000 रुपए हमारे लिए इनकम हो गई। हम कौन, ये 4000 रुपए इनकम होगी किसके लिए, इनकम हो गई किसके लिए दोस्तों, मिस्टर अमन के लिए, अमन के लिए, समझ आए। तो कहता है देखो जो हमारी इनकम हो, और हमें पता है लॉजिक है हमारे को, देखो सबसे पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट ही घटिया, मैं आपको बता दू, यहां पर प्रोविजन बना रहे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा या हम क्रेडिटर को डिस्काउंट देंगे, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा, और जब क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा, उसके भी आप प्रोविजन कैसे बन सकता है, पहली बात तो ये समझो, प्रोविजन बनता है एक्सपेक्टेड लॉसेस का, ना कि एक्सपेक्टेड इनकम का। दोस्तों अगर आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अनुमान लगाओ और आज ही मान लो, फ्यूचर में होने वाली इनकम को अनुमान लगाकर आज नहीं मानना। अब अगर मेरी बात समझे, तो ये हमारी क्या है, इनकम है या नहीं है 4000 रुपए, क्या मैं 4000 को, इस 4000 के लिए प्रोविजन बनाऊ, प्रोविजन बनाते हैं लॉसेस के लिए, इनकम के लिए कभी नहीं बनता। बट सर ये प्रोविजन क्यों बनाया, ये प्रोविजन क्यों बनाया,
देखो ये प्रोविजन इसलिए बनाया, आपका लॉजिक समझना कि ऐसा इन्होंने क्यों करा। एक कंसेप्ट मैं इसलिए घटिया बोल रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर इनका लॉजिक क्या था वो बताता हूँ आपको, इन्होंने लॉजिक करके क्या लगाया। इनका ये लॉजिक था कि देखो सर आप कह रहे हो ना प्रूडेंस ऑफ कहता है एक्सपेक्टेड इनकम को मत मानना। प्रूडेंस ऑफ क्या कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि होने फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड इनकम को आज मत मानना। एक्सपेक्टेड ना, हमें तो यकीन है ये इनकम होगी, हमें तो पता है ये इनकम फ्यूचर में होनी है, एक्चुअल इनकम होने वाली है फ्यूचर में, एक्चुअल इनकम इन फ्यूचर में एक्चुअल इनकम होगी, हमें पता है कितनी होगी होगी क्योंकि हम एक महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे 2 लाख रुपए का, हमें पता है। इसलिए इनका वो था कि प्रोविजन क्रिएट करो, प्रोविजन एक्सपेक्टेड इनकम में, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम के प्रोविजन आज नहीं बना सकते, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड लॉसेस पे प्रोविजन बना सकते हैं। हमने कहा फ्यूचर में अगले महीने के अंदर ये पेमेंट हमें रिसीव होने वाली है, ये हमें 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अगले महीने हम पेमेंट करेंगे, हमारे हाथ में पेमेंट करना, पेमेंट हमने करना किसके हाथ में, हमारे हाथ में, हम तो पेमेंट करेंगे ही। ये जो सोच कर उन्होंने कहा कि देखो फ्यूचर में जो इनकम होगी, वैसे तो कंसेप्ट घटिया है दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर की इनकम कभी भी नहीं मानते, पर उन्होंने क्या सोचा फ्यूचर में इनकम होनी ही है, इसलिए इन्होंने आज इनकम बनाकर प्रोविजन क्रिएट कर दिया। आज इनकम बनाकर उन्होंने क्या कर दिया प्रोविजन, अनिल बात करी कहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट मान लिया आज करंट में, पर प्रॉफिट कब होगा, एक महीने बाद होगा। क्यों माना इन्होंने आज, क्योंकि इनको पता था कि एक्चुअली होगा ही होगा प्रॉफिट, क्योंकि पैसा देना इनके हाथ में है, इसलिए उन्होंने मान लिया। अदरवाइज अगर एक्सपेक्टेड मान रहे हैं तो मान नहीं सकते, पूर्ण कंसर्न मना करता है दोस्तों। ये कंसेप्ट इसलिए घटिया है क्योंकि फ्यूचर में होने वाली चाहे आपको एक्चुअल हो चाहे वो मानते नहीं है, पर क्या करें कंसेप्ट पढ़ाया है तो पढ़ा दिया मैंने भी आपको, तो ये घटिया कंसेप्ट था इसके अंदर। आपको ये बता दो फ्यूचर में होने वाली इनकम को नहीं मानते फ्यूचर के, पर इस कंसेप्ट यही कहता है कि फ्यूचर में यानी फ्यूचर की इनकम है ना, डिस्काउंट कब मिलेगा, अभी या फ्यूचर में, सर फ्यूचर मिलेगा डिस्काउंट, अभी थोड़ा मिलेगा, जब हम पेमेंट कर देंगे तब डिस्काउंट मिलेगा ना, ये आज मान लेंगे और क्या मना लेंगे, क्या प्रोविजन, अब इनकम को भी प्रोविजन मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बट इनका कॉन्सेप्ट, इनका लॉजिक क्या था, मैंने कहा इनका लॉजिक ये है कि इनको पता है कि फ्यूचर में हम देंगे देंगे, एक महीने बाद हम पेमेंट करेंगे और हमें डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो आज ही मान लो, इसलिए इन्होंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को डेबिट करा और पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और इसको इनकम मानकर आज इन्होंने ट्रीट कर लिया। क्या समझ में आया नहीं आया, क्या क्लियर है दोस्तों? हाँ जी सर, ये आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यही करना था और आएगा भी नहीं है पेपर के अंदर, नॉर्मल था ये, पर यही था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो फ्यूचर की इनकम को आज मान लेते हैं, इसलिए कोई कोई बुक इसको पढ़ाती है और कोई कोई बुक नहीं पढ़ाती, हमारे बुक में है तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ऐसा इनका लॉजिक था जिन्होंने माना, पर प्रूडेंट को जो कहता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम को आज नहीं मानते, पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्चुअल इनकम थी जो फ्यूचर में होगी ही होगी क्योंकि पेमेंट करेंगे, इसलिए इन्होंने आज इनको इनकम मान ली और प्रोविजन क्रिएट कर दिया। जब ये एक्चुअल इनकम हो जाएगी प्रोविजन कैंसिल कर देंगे और इनकम को प्रोविजन कैंसिल कर देंगे और पैसा रिसीव कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। बस इनकम पहले मान ली, बाद में इनकम नहीं मानेंगे, बाकी बाद में प्रोविजन कैंसिल कर देंगे जो डेबिट करा भी है प्रोविजन और कैश रिसीव कर लेंगे दोस्तों, सिंपल। ये कैश ना रिसीव करके क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड बोल देंगे, कुछ भी किसी तरीके से डेबिट करेंगे और खत्म कर देंगे कहानी को। आई बात समझ में, क्रेडिटर खत्म कर देंगे सर, क्या करेंगे क्रेडिटर, तो अगर जब ये पैसा रिसीव होगा तो क्रेडिटर कैंसिल कर देंगे क्योंकि पेमेंट कर दी, 2 लाख रुपए पेमेंट कर दी, क्रेडिटर कैंसिल कैसे किया, कितना, देखो मैं पेमेंट की एंट्री दिखाता हूँ आपको, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, पेमेंट टाइम पे एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री होगी, आप कहोगे सबसे पहले तो क्रेडिटर कैंसिल करो, क्रेडिटर पूरे 2 लाख से खत्म करो क्योंकि भाई क्रेडिटर कितने से मिले, 2 लाख से, और यहाँ पर लिखो सर आपके पास क्रेडिटर खत्म हो गए 2 लाख से, आपका पैसा कितना गया जेब से, आपका पैसा सिर्फ 2 लाख नहीं गया, आपके पैसा गया 1,96,000, और जो आपके पास पैसा आया ये 4,000 रुपए, ये क्या है, इनकम है, और इनकम किस नाम से शो करोगे, डिस्काउंट रिसीव नाम से, पर डिस्काउंट रिसीव से नहीं करोगे क्योंकि पहले से प्रोविजन बना लिया, अगर पहले से प्रोविजन बना लिया तो क्या करेंगे सर, इसको इस प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए हम इसको भेज देंगे, पहले तो डिस्काउंट रिसीव से एंट्री पास करेंगे, फिर डिस्काउंट रिसीव भेज देंगे, और डिस्काउंट रिसीव से भेजने के बाद हम इसको भेज देंगे प्रोविजन। अब पीएनएल में पहले क्या करते थे, अगर प्रोविजन नहीं मेंटेन होता था तो पीएनएल में ट्रांसफर करता था डिस्काउंट रिसीव को, ये तो करते थे साल के एंड में, इनकम को सारी पीएनएल तो एंट्री पास करते थे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पीएनएल करता था जब प्रोविजन मेंटेन नहीं था, इसके लिए भी प्रोविजन बना दी इनकम के लिए भी। अब इसको कहां भेज दूंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, देखो कैंसिल कर दिया मैंने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितने का सर, 4,000 का यहां भेजा, 4,000 का यहां भेजा, और ये प्रोविजन से प्रोविजन अगर ध्यान दो तो ये प्रोविजन से और ये प्रोविजन जो डेबिट हुआ कट गया, और देखो डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू पीएनएल गया पीएनएल के अंदर, बस ये था।
प्रोविजन पहले मेंटेन कर लिया कि हाँ चलो इनकम होने वाली है, मान लो इनकम, और इनकम मानकर कुछ पैसा हमने ला दिया इनकम साइड पर, और इनकम साइड में जब डाला तो प्रोविजन को यहाँ से अब जब इनकम होगी एक्चुअल में, इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल हो गया कहानी, सेम डेटर वाली कहानी थी। बट ऐसा मुझे कंसेप्ट बिल्कुल घटिया लगता है, कभी पढ़ाने का मन नहीं करता इस कंसेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि प्रूडेंस कंसेप्ट मांगू क्या मानू। आप भी कंफ्यूज हो गए होगा थोड़ा बोला, बट मैंने कहा ना एक्चुअल एक्सपेक्टेड इनकम को नहीं मानते, पर एक्चुअल इनकम जो होने वाली है वो तो मान लेंगे, वो मान लेते हैं। ये है इसका कंसेप्ट, एक्सपेक्टेड ना होकर कहते एक्चुअल इनकम है, इसलिए इन्होंने पहले मान लिया, प्रोविजन बना लिया। क्लियर है दोस्तों? तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट था कि इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करते टाइम प्रोविजन भेज देंगे, पीएनएल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि पीएनएल में ऑटोमेटिकली भेज दिया है प्रोविजन के नाम से। अब प्रोविजन कैंसिल कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर देंगे, खत्म होगी कहानी। यही था प्रोविजन, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? चलो तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, सिंपल था, लॉजिक में कुछ भी नहीं था, बेकार घटिया कंसेप्ट। अब क्वेश्चन करने की बारी आई, और क्वेश्चन देखते सर जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कब को करा चुका और कौन कौन से अभी रह गए। इन लास्ट हम अपना स्टडी मैट का देखेंगे कि कितने क्वेश्चन छूट गए, कितने क्वेश्चन रह गए, फिर वो कर लेंगे, ठीक है? पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आपको मैंने सारी एडजस्टमेंट करा दी, अब आपका रिस्पॉन्सिबल बनती है कि सारी एडजस्टमेंट को करो। सेकंड में करा चुका, सेकंड ही थर्ड जैसा था, दो दो बार हो गया था, वो बेकार हो गया। फोर्थ में करा चुका आपको, फिफ्थ में करा चुका, सारे करा दिए दोस्तों मैंने, सब करा दिए थे मैंने, हाँ जी ये तो करा दिया था। सिक्स्थ नहीं कराया था क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन डिस्काउंट फर्दर बैठा था, कोई बात नहीं अब कर लेंगे। सेवन्थ नहीं कराया, ठीक है। एट्थ करा दिया दोस्तों, एट हो चुका, होमवर्क दिया था, याद है मुझे भी। नाइन्थ में करा चुका, नाइन्थ में करा चुका। टेंथ मैंने नहीं कराया, अब टेंथ से चालू है, टेंथ इलेवन चालू है दोस्तों, और ट्वेल्थ उससे पहले ये करते हैं, सिक्स और सेवन, आज की क्लास में सिक्स और सेवन कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट करें भाई। तो अब आपको क्वेश्चन करने, ट्राई कर देने अपनी बुक के जितने भी है सब ट्राई करो भाई, खाली फ्री टाइम है, ट्राई करो जल्दी से और क्वेश्चन करके दिखाओ। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करो, हाँ मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन इस क्लास के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, बस खत्म सा हो गया। एक मैनेजर कमीशन रहेगा, जब वो क्वेश्चन कराना होगा ना उससे पहले मैं मैनेजर, एक अलग सी क्लास बनेगी मैनेजर कमीशन की, मैनेजर कमीशन उसके साथ ही क्वेश्चन, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, खतरनाक क्वेश्चन। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय श्री त्रिहंकर, पता नहीं क्या लिखा है, त्रिहंकर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, फिर से पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक है सर पीएनएल अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सिक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। पहले तो बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने जानबूझकर, क्योंकि आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस भी कर सकते हो। तो मैंने कहा इन द बुक्स ऑफ, नाम लिख देना भाई उसका, पता नहीं क्या नाम था, इन द बुक्स ऑफ त्रिहंकर, प्रोनंसिएशन भी नहीं आ रहा करना, फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड अकाउंट, ट्रेनिंग नहीं बनाना। क्या आपको अभी तक जितना ही पढ़ा है सब समझ में आया नहीं आया बताओ? अब एक एक चीज डिटेल में कराई, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर डिटेल में मिला है आपको, फॉर द ईयर एंडेड, हाँ कभी कभी अपनी तारीफ करना पड़ता है भाई, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो ये तो था फॉर्मेट सर, अब फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। बाद में देखेंगे, अगर बढ़ाना होगा तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, सारी एडजस्टमेंट करा दी, बस बस बस। इस क्लास से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ अब कि भाई अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आती तो मत करो, पहले एक बार रिवीजन कर लो, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था रिवीजन करके लाओ, कर लिया अच्छी बात है, स्टार्ट कर लो। आप नहीं करा तो कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इतनी मेहनत करा चुका हूँ, 16 क्लास दे चुका हूँ मैं आपको, आई थिंक इतना ही दे दिया,
16 क्लास करीब दे चुका हूँ बेसिक की, भाई अब बेसिक में 16 क्लास लगा दी, अब क्या क्वेश्चन में भी कराऊंगा क्या बेसिक लगाऊंगा? नहीं भाई, अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट डालूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना। आप यहाँ से पढ़ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, डाल दो भाई 1 लाख रुपए का। एडिशन देखते रहना है ना, रेंट 22,000 का, रेंट के लिए एडिशन, हाँ 11 महीने का रेंट है ये, 22,000 भी कितने महीने का रेंट है, 11 महीने का, ये 22,000 कितने महीने का रेंट है, 11। ये क्वेश्चन तो करा होगा पक्का अगर आपने 11th 12th में पढ़ा है। यहाँ लिखेंगे रेंट, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, अकाउंट में लिखते टू रेंट करके आउटस्टैंडिंग। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, मैंने जो रेंट पे करा वो कितना करा है, वर्किंग नोट बना रहा हूँ। 1 रेंट पेड फॉर 11 मंथ, 11 महीने का रेंट पे करा है जो कि 22,000 रुपए पे करा। भाई जो रेंट 22,000 पे करा है, नीचे कह रहा है ये 22,000 जो पे करा वो रेंट 11 महीने का, पेड लिखा है, पेबल नहीं लिखा है, पेड लिखा है, 11 महीने का है। तो मैंने कहा बताओ 1 महीने का रेंट कैसे निकालूंगा? मैंने कहा देखो कितना सिंपल सा है, 22,000 रुपए डिवाइड बाय 11, इस 11 को उठाकर नीचे लिया है, तो 1 महीने का रेंट कितना होना चाहिए दोस्तों, 11 × 22 2,000 रुपए होना चाहिए। दोस्तों 11 महीने का रेंट पे करना चाहिए, 1 साल का करना चाहिए, 12 महीने का, सर 12 महीने का, तो यहाँ बदल गया आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरे पास 1 मंथ का, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग रेंट है या नहीं बता दो सर। हमने कितने महीने का रेंट पे करा है सर, 11 महीने का पे करा है, जबकि हमारे पीएन अकाउंट में कितने महीने का रेंट जाना चाहिए, 12 महीने का, पूरे साल के बनाना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या निकला, आउटस्टैंडिंग रेंट निकला, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिशन को रेड पेन से कर दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। 22,000 रुपए तो आपने 11 महीने का पे करा, 2,000 रुपए भी आउटस्टैंडिंग है जो पे करना है, कितना होगा टोटल पे करा 24,000 रुपए। क्या समझ में आया आपको, नॉर्मल था। फिर क्या है सर, सैलरी, सैलरी के बारे में कोई है, सैलरी 4,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है भाई सैलरी डाल दी 4,000 रुपए, यानी कि टू सैलरी, और उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी में कितनी है सर, सैलरी आपके पास 10,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 की, तो 10,000 प्लस 4,000 टोटल कितना हो गया सर, 14,000। इसके बाद सर आपके पास कमीशन है, क्रेडिट, कमीशन का क्रेडिट नेचर है, कमीशन के लिए कोई एडिशमेंट है, डेटर कमीशन रिसीव इन एडवांस डेटर, सर ये संडी डेटर है, यहाँ नहीं आएगा डेटर, ये नहीं आएगा संडी डेटर, कमीशन रिसीव इन एडवांस ऑफ 2,000 रुपए, इस 12,000 में 2,000 कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया, जो इस साल का नहीं अगले साल का है, ध्यान का पहले तो कमीशन कितना सर 12,000 रुपए, इसमें माइनस कर दिया कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो कमीशन जो एडवांस रिसीव कर लिया वो हमारी लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती दोस्तों, इस साल की इनकम अगले साल की, इसलिए इस साल हटा दिया बेसिक, मैंने कहा ना बेसिक है सारा। अब मुझे कराना कुछ नहीं है दोस्तों, मैं पढ़ा चुका जितना पढ़ाना था, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, बस अब खत्म। लो भाई इंश्योरेंस पे करा है 8,000 रुपए का, उसमें इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस भी है 2,000, एडवांस में कुछ इंश्योरेंस पे कर दे, माइनस करेंगे टू इंश्योरेंस, क्यों करेंगे कॉपी खोलो, इंश्योरेंस कितने का पे करा 8,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो पे नहीं करना था फिर भी पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस उसको हम माइनस करते हैं दोस्तों 2,000 रुपए, तो आपके पास 6,000 रुपए आ गया। इसके बाद सर हमारे पास इंटरेस्ट है, क्रेडिट, इंटरेस्ट कितना है क्रेडिट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं, इनकम हमारी, तो यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, सारी एडजस्टमेंट आ गई ना एक बार में, एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं, हमारी एसेट होती है ना, हमारी एसेट होगी और हमारी इनकम भी होगी, कमाएंगे तो सही, मिला नहीं तो क्या हुआ, है तो इनकम इस साल की 2,000 रुपए, या मैंने 2,000 रुपए ऐड कर दिए, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 8,000 रुपए आ गया दोस्तों, टोटल कितना आ गया 8,000 रुपए। इसके बाद बैड डेट 2,000 रुपए, प्रोविजन फॉर बैड डेट और एक अप्रैल 4,000 रुपए, संडी डेटर 40,000, डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपए, प्लांट एंड मशीन भी 80,000। सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीन पे लगाता हूँ डेप्रिसिएशन, 80,000 का 10% लगाऊंगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, तो 80,000 का 10% कितना होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 80,000 का 10% 8,000 हो गया, 80,000 का 10% कितना होगा दोस्तों 8,000, मैंने 8,000 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो मैं पहले देख लेता हूँ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, बड़ा घुसड़ सा हो गया यहाँ पर, प्रोविजन डिस्काउंट डेटर की एंट्री बाद में कर दूंगा दोस्तों, अभी यहाँ पर डालते हैं। तो मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट कंप्लीट करा दिया, ये कंप्लीट करा रेंट, इंटरेस्ट करा दिया, प्रीपेड करा दिया, डेप्रिसिएशन हो चुका है, अब बैड डेट बचा, कमीशन रिसीव वाला हो चुका है, अब सिर्फ बैड डेट वाली एंट्री बची है, डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए कुछ एंट्री है, डिस्काउंट रिसीव के लिए कोई ऐसे ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मेरी बैड डेट की जितनी मेहनत थी ना अभी मैंने कराई, अब वो मेहनत बर्बाद मत होने देना भाई, डिस्काउंट रिसीव कितने का था 2,000 रुपए का सर,
डिस्काउंट किसी ने 2000 रुपए का था भाई, बस अब बैड डेब्ट वाले से कह रहा बैड डेब्ट, ये है फर्दर बैड डेब्ट, ये सॉरी फर्दर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस, ये सारी बातें ट्रायल बैलेंस के अंदर की है ना, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट 2000 रुपए का है, मैं बिना अकाउंट बना कर रहा हूँ, सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेब्ट, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट, कोई है फर्दर बैड डेब्ट, देखो फर्दर बैड डेब्ट दे रखा 2000 रुपए का, 2000 रुपए वाला बैड डेब्ट, 2000 फर्दर बैड डेब्ट, 2000 यहाँ आएगा, इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट कितने का 2000 रुपए का, ये तो एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेब्ट वाली, और वो एडजस्टमेंट नहीं है वो बैलेंस में आएगा, ये बैलेंस में आएगा। अब इसको मेरे को क्लियर करने की जरूरत नहीं, मुझे पता आपको क्लियर हो गया होगा, सब इतने क्वेश्चन करा देना भाई तो अब तो हट गया होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है पहले से, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, कहां बोला था ओल्ड प्रोविजन डालने के लिए, यहां पर ओल्ड प्रोविजन कितना है सर, ओल्ड प्रोविजन 4000 रुपए का ओल्ड प्रोविजन है, अब न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 5% मेंटेन करना है, तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो देखो मेरे पे 4000 से पहले का है 5% क्लियर करना है, तो मैंने कहा डेटर, मैंने यहां का माइनस करा फर्दर बैड डेब्ट, डेटर मेरे 40000 रुपए के आई थी, डेटर है 40000 के, फर्दर बैड डेब्ट मेरे पे कितने का है 2000 रुपए का है, माइनस करने पे क्या है 38000 रुपए आ गया दोस्तों, माइनस करने पे क्या है 38000, ये हो गया रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग डेटर। अब मुझे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, पहले तो मैं लिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डीडी एट द रेट 5%, तो किसका निकालूंगा भाई 38, इसको तो यहां क्लोज कर दो क्योंकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो मैं आगे ही नहीं करूंगा, तो 38000 का 5% निकालेंगे सर, 38000 का 5%, एक मिनट कैलकुलेटर में करो आप, 38000 का 5%, अरे हम तो कर लेंगे सर, आप करके दिखाओ, 1900 रुपए आया, इतना प्रोविजन मेंटेन करना है मेरे दोस्त, ठीक है 1900 रुपए इतना प्रोविजन मैंने मेंटेन करना है, अब यहाँ पर लिख दो टू प्रोविजन, सर वो नहीं देखेंगे कितना मेंटेन करना है, पीएन अकाउंट में कितना डालना चाहिए, मैंने कहा ना वो ऑटोमेटिकली अकाउंट में होता है, जब पीएन अकाउंट के अंदर पुट करते हैं तो ओल्ड प्रोविजन हमने पूरा कैंसिल, इनकम मान तो ली जो पिछले साल लॉस मानता है, पूरी इनकम मान ली, अब क्या करोगे यहाँ पर न्यू प्रोविजन लिखो दोस्तों, है सिंपल, जब हम अकाउंट बनाते हैं ना तब ये देखते हैं कि भाई 4000 रुपए है जिसमें से 2000 रुपए हमारा फर्दर बैठे हुआ है, 8000 रुपए टोटल, सॉरी 4000 रुपए फर्दर बैठे, तो पूरा खत्म हो गया, तो पूरा खत्म हो गया, देखो वैसे भी खत्म ही हो रहा है, बट मैं वो वैसे नहीं बताना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि ओल्ड को हमेशा यहाँ डालो, न्यू जितना क्लियर करना है वो यहाँ डाल दो चुपचाप, जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तब वो करेंगे, क्या सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 4000 रुपए यहाँ पर, फिर बैड डेब्ट ट्रांसफर करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1900 बैलेंस सीडी होगा तो न्यू प्रोविजन 1900 का बनाना पड़ेगा, बट अगर कुछ बच जाता है, मान लो 5000 बच जाता है, यहाँ पर 5000 होता, 4 एडजस्ट करता, अभी भी 1000 होता, तो क्लियर कितना करता 900 रुपए, पर पीएल अकाउंट अब भी 19 दिखाता, आप चेक कर लो जाकर वहां पर, क्यों ऐसा करा, क्योंकि मैंने न्यू का न्यू ओल्ड जो पिछले साल लॉस मान था पूरी इनकम मान ली, अब खत्म हो गया ना इनकम और लॉस वाला पीछे वाला, अब कुछ नहीं है तो 1900 नया बनाओ, लॉस मानो दोबारा, पिछले साल जो लॉस माना था 4000 का वो मैं पूरी इनकम मान चुका भाई यहाँ डालकर, अब मैं क्या करूंगा, इस बार जो नया क्रिएट करना कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, पीएल अकाउंट में जैसे आपने ओल्ड प्रोविजन यहाँ डाला तो समझ लेना आपने पूरी इनकम मान ली, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बैलेंस कुछ नहीं पड़ा, पूरी इनकम मान ली, अब 1900 नया क्रिएट करो, ये होगा हमेशा, और यहाँ पर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के, खत्म हो गया, याद रहिए हमेशा बात क्या करना है आपको, अकाउंट बनाते टाइम तो वही फॉलो करना, जब आप पीएन अकाउंट में डालोगे तो क्या लोगे, न्यू प्रोविजन जितना क्रिएट करोगे पूरा यहाँ डाल दोगे, वो जितना क्रिएट करोगे पूरा 4000 यहाँ डाल दोगे, जितना बच जाएगा सर पूरा डालना है आपको, क्योंकि सर हमने यहाँ पर लॉस को ओल्ड को न्यू मान लिया और ओल्ड को हमने इनकम मान ली, तो पूरा लॉस पिछले साल जो लॉस मानता पूरी इनकम मान चुके हैं, अब दोबारा लॉस मानेंगे सर, क्योंकि दोबारा क्रिएट करना है, क्योंकि वो मान चुके, हाँ कुछ बैलेंस बच जाता तो रिमेनिंग करता, वो अकाउंट में दिखाते हैं, वो किसमें दिखाते हैं अकाउंट में, कि 4000 पहले बैलेंस डाला, 4000 का बैड लॉस पूरा रिकवर हो गया, 1900 बनाना था, 1900 भी बैलेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो 1900 बना लेंगे, अगर बैलेंस 1000 होता तो 900 और क्रिएट करता एंट्री में, तो उससे होगा जितना क्रिएट कर रहा है, पर पीएल अकाउंट में तो समझो यार, मेरा तरीका बताओ, ओल्ड प्रोविजन मैंने यहाँ डाल दिया है, ओल्ड प्रोविजन यहाँ डालने का मतलब ही समझो कि पिछले साल जो लॉस बना था पूरी इनकम मान ली, अब कोई लॉस नहीं है मेरे पास, कोई अवेलेबल बैलेंस नहीं बचा, अब जो नया क्रिएट करना पूरा क्रिएट कर लूंगा, ये मतलब समझो, अकाउंट में अलग ट्रांजेक्शन, इसमें अलग ट्रांजेक्शन है, ठीक है, चलो भाई टोटल कर लेंगे सर इसका, 10000 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,00,000 प्लस 80000 और सॉरी 8000 है और प्लस 6000 हो गया ना, 4 × 6 यहाँ के 1,24,000 1,24,000 1,24,000 अब माइनस कर देंगे, सबसे पहले माइनस करूंगा 24000
14,000, 6,000, 8,000, 4,000 और 1,900, यह है 66,100। इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? टू नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है सर, तो हमेशा याद रखना, कुछ नहीं करना, जब अकाउंट बनाने को कहेगा तभी वो सारी बातें याद रखनी है। अगर अकाउंट बनाने को नहीं बोलेगा तो सिंपल क्या करना है, जितना प्रोविजन ओल्ड था पूरा क्रेडिट, जितना प्रोविजन न्यू है बनाना है, ये मत देखना कितना रिमेनिंग बच गया बैलेंस, वो मत देखना, जितना बनाना है पूरा डेबिट। सिंपल समझे आप, जो पिछले मैंने लॉस माना था अगर वो लॉस मान चुका तो उसको इनकम भी तो मान के खत्म कर दिया ना, अब पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, अवेलेबल बैलेंस जीरो हो गया। समझे आप, यहां डालते ही मैंने अवेलेबल बैलेंस अपने ओल्ड प्रोविजन में जीरो कर दिया, अब नया पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट पूरा का पूरा, न्यू प्रोविजन। ये सबसे सिंपल तरीका है, झंझट ही नहीं कोई, 100% हर चीज सही होगी। जब अकाउंट बनाने को कहेगा ना दोस्तों, जब अकाउंट के लिए आएगा ना, तब आपको वही फॉलो करना है जो मैंने बताया। सिंपल ये देखना है कि कितना क्रिएट होगा और एंट्री, देखो उसमें दिक्कत आती है। हाँ, जब भी पीएनएल बने, जब अकाउंट बनाने को आए, जब पीएनएल बनाने को भी आए, तो अकाउंट में तो वैसे करो जैसे अकाउंट बनाया था, पीएनएल में सिर्फ यही करो। समझे आप, चीजें बहुत सिंपल कर लो, कंफ्यूज नहीं होगा। सर कौन सा बड़ा है तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होगी, पर कंफ्यूजन नहीं, आपको डर है, डर यार कैसे करेंगे, वो डर मत करो। ठीक है भाई, सिंपल मैंने तरीका बताया, अकाउंट में ओल्ड क्रेडिट साइड में न्यू डेबिट साइड में, कॉन्सेप्ट को समझो ना। पिछले साल जो लॉस माना वो इनकम मान ली, खत्म हो गया, अवेलेबल में जीरो, अब जो नया 1900 क्रिएट करना, पहले से कुछ है जीरो है भाई अवेलेबल, क्योंकि इनकम मान चुका अब जीरो है, तो नया क्रिएट कर लो भाई। सिंपल, बट अकाउंटेंसी के अकाउंट, जब अकाउंट प्रिपेयर करता हूं तो क्या करता हूं, मेरा अवेलेबल 4,000 होता है, बैटअप 2,000 का, तो 2,000 बच जाता है वहां पर, इसलिए मैं क्रिएट करना होता है 5,000, तो 3,000 और क्रिएट कर लेता हूं, ये था। ठीक है, पीएल अकाउंट से क्लियर, खत्म हो गया एंट्री। चलो ये 66,100, देखो राइट आंसर, आंसर राइट आएगा मेरे भाई, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आ जाओ 7 क्वेश्चन देखेंगे, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी की बातें। खत्म से हो गया पीएनएल अकाउंट, बस बस जितने क्वेश्चन रहेंगे उतना टाइम लगने वाला है, बस अब कुछ नहीं बचा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कैपिटल दे रखी है, बैलेंस ड्रॉइंग दे रखा है, कैश इन हैंड, अब तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लोन फ्रॉम बैंक, कंट्री क्रेडिटर, बीआर, सारे बैलेंस शीट दे रखी है, तो गुडविल बैलेंस शीट, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ये बैलेंस शीट बनानी है पक्की बात है, इतना फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन फाइनल अकाउंट, 10,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये बेसिस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑर्डर 3,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6,000 रुपए, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, बैड डेट आपको 10,000, मेक अ प्रोविजन फॉर 10% मशीनरी डेटर, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,96,000 का, आफ्टर करेंसी होल्डर प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपको बनानी है, बैलेंस का टोटल ले रखा है। सिंपल है भाई, बैलेंस बना दो, बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनाना क्योंकि एडजस्टमेंट भी आएगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31st क्या है, मार्च है 2015, 31 मार्च 2015, थोड़ी बड़ी बैलेंस बनाएंगे क्योंकि सर इसमें भी चीजें बहुत सारी आएगी। ज्यादा बड़ी बनी चाहिए, बहुत है इतनी तो ज्यादा ही होगी, बात नहीं। खेल रहा है, वैसे खेल रहा है। लो भाई मैंने बना दिया फॉर्मेट, क्या डालेंगे, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या डालते हैं दोस्तों, एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, इसमें ऐड कर दूंगा नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, फिर ऐड माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है क्या क्वेश्चन के अंदर, हाँ 40,000 भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे और जो भी आएगा उसको बाहर पुट कर देगा। क्लियर, तो बताओ कैपिटल कितने की थी, एक ही करते हैं, 2,00,000 रुपए की कैपिटल थी, ड्रॉइंग 40,000 की, मैंने कहा सर 2,00,000 रुपए की मेरी कैपिटल थी, ड्रॉइंग 40,000 की माइनस कर दूंगा कैपिटल, इंटरेस्ट पे जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो हमें पे करना होता है या लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया था, आपको पे करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपके पास सर आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा सर आपने डबल इफेक्ट नहीं दिखाया,
तब से हम कहते हैं डबल इफेक्ट। तो ये तो कहीं शंका नहीं आ रही डबल इफेक्ट की, डबल इफेक्ट दिखाएंगे, बट जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ पीएनएल बनाओ तो पीएनएल में दिखाएंगे जो इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट क्यों बनाए? अगर जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होना है वो बनाने को बोला है, नहीं तो बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर से क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। अब पीएनएल बोला, अब जिसका डबल इफेक्ट पीएनएल में भी हो रहा है बैलेंस शीट में, तो पीएनएल बनाना ही नहीं है तो मैं उसका इफेक्ट दिखाऊंगी। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा जब दोनों बनाने होंगे तब दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? डबल इफेक्ट की शंका मत करना, डबल इफेक्ट होते हैं, बट जितना जहां मेरे को बुलाया बुलाया बनाने को बैलेंस शीट बोली तो मैं उसमें दिखाऊंगा इफेक्ट सारे, बाकी डबल दूसरा इफेक्ट छोड़ दूंगा जो पीएनएल वाला, क्योंकि बनाने को बोला ही नहीं। ठीक, तो मैंने कहा देखो ड्राइंग आपका 40,000, 96,000 का आपके पास नेट प्रॉफिट है, 96,000 का आपके पास नेट प्रॉफिट है, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है दोस्तों, कितना निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 10% का, तो 2,00,000 का 10% कितना होता है 20,000 रुपये, मैं लिख देता हूँ एट द रेट 10% भाई, जोड़ देंगे इसको, जोड़ देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे 2,00,000 रुपये प्लस 96,000 और आपके पास प्लस 20,000 और माइनस 40,000, 2,76,000 का आ गया सर, 2,76,000। ठीक है सर, यहाँ तो क्लियर हो गया आपके पास, और आपकी एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, प्रोविडेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसका एक इफेक्ट भी देता, क्योंकि दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में पीएल में जाना था, है ना, क्योंकि क्या थी मेरे खर्चा था। अब दूसरा इफेक्ट है सैलरी और वेजेस, तो सैलरी तो जाएगी यहाँ पर, क्या फ्री आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपको ही पता है सैलरी कहाँ जाएगी और वेजेस कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के अंदर जाता है, वो बनाना नहीं है, तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग जाएगा क्योंकि लायबिलिटी, वो सैलरी जो पे करनी थी आपने पे नहीं करी, हमारी लायबिलिटी, और आपके पास 20,000 रुपए सिर्फ लायबिलिटी यहाँ पर आएगा। इसके बाद और क्या सर, कैश इन हैंड मेरे 15,000 रुपए का, तो मैं यहाँ डालते कैश इन हैंड, ऐसा तो लास्ट में आता है, तो मैं करंट मारा, करंट ऊपर फिक्स नीचे करता हूँ, कैश इन हैंड आपके पास 15,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, हाँ क्लोजिंग स्टॉक हो ना नीचे, क्या सर 1,20,000 रुपए का ये मैंने यहाँ। और दूसरा डिस्ट्रेंट कहाँ होता है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में बनाना ही नहीं है तो दूंगा। लोन फ्रॉम बैंक 40,000, बैंक से लोन लिया तो लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, पर अभी नहीं, इस पे इंटरेस्ट ड्यू होना था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो पे करना था इस पे हमने पे नहीं करा, नीचे दे रखा है देखो, लोन पे इंटरेस्ट दे रखा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 रुपए जो पे करना था हमने किया नहीं, तो लोन फ्रॉम बैंक कितना था 40,000 रुपए और 6,000 पे करना था जो पे किया नहीं, जब पे कर देंगे तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 40,000 की, अरे 40,000 का लोन लिया और 6,000 का इंटरेस्ट देना है उस पे, तो टोटल पैसा कितना देना है 46 का ना, तो लायबिलिटी कितनी होगी 46 की, हो गया लोन का सेंट्री क्रेडिटर 40,000 रुपए के डाल दो, क्रेडिटर 40,000, उसके बाद सर डेटर आपके पास 80,000 रुपए के, डेटर यहाँ डाल देंगे, पर डेटर में भी क्या करेंगे, डेटर में करेंगे बताओ क्या, डेटर माइनस और क्या प्रोविजन फॉर डीडी माइनस, ये माइनस करने का जो भी आंसर आएगा वहां डाल देना। ठीक है, डेटर कितने के है वो लिख देते हैं, डेटर आपके पास है 80,000 रुपए का, जो भी 80,000 रुपए यहाँ पर दिया, बाकी बैड डेट प्रोविजन निकालूंगा तब डाल दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपके 50,000 की, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है भाई, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं है सर, आप ये मत सोचना लैंड एंड बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, साथ में बिल्डिंग भी लगी हुई है, लैंड पे एसी वगैरह लैंड होता है तब डेप्रिसिएशन लगता है, जब लैंड एंड बिल्डिंग दोनों हो तब डेप्रिसिएशन लग सकता है, क्योंकि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में तो डेप्रिसिएट होगी, कितना है मेरे भाई लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, 80,000 का 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और बाकी दूसरा इफेक्ट ना होगा पीएल अकाउंट के अंदर तो वो बनाना नहीं है 8,000, तो क्या हो जाएगा 72,000। इसके बाद दोस्तों ये आने के बाद आपके पास क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कहीं पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कहीं मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हो या कहां है, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपए का, तो बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपए का, इस पे इंटरेस्ट भी क्या है पे करना था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैंक से उधार लेना, करंट अकाउंट में मिलता ही, कितना है सर इंटरेस्ट 3,000 रुपए है इंटरेस्ट ड्यू 3,000, तो टोटल पैसा कितना देना है, एक तो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 3,000 का इंटरेस्ट, 23,000 रुपए देना है, बिल पेबल भी मुझे दिख रहा है दोस्तों, बिल पेबल भी है, बिल पेबल है आपके पास, ये रहा 20,000 रुपए का बिल पेबल, बिल पेबल डाल दिया, और सर आपके पास कैश एट बैंक भी है, तो कैश एट बैंक वैसे ऊपर आना चाहिए, तो चलो आप डाल दो यहाँ पर कैश एट बैंक 25,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट 20,000 की,
इन्वेस्टमेंट है 20,000। और सर पहले देखो एडमिशन हो चुका, ये कंप्लीट कर दिया, इंटरेस्ट की बैंक कंप्लीट कर दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, बैड डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं करी, सिर्फ बैड डेबिट रहेगी, बाकी सब कर लिया। देखो कैपिटल कर लिया, ड्रॉइंग कर ली, कैश इन हैंड, लोन फ्रॉम बैंक, सेंडिंग क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल नहीं डाला, देखो ऐसे पता चल गया, गुडविल नहीं डाला, बीआर भी नहीं डाला, बिल रिसीवेबल, गुडविल 60,000 डालो और बीआर कितना है 10,000, 60,000 और 10,000 इन्वेस्टमेंट डाल दी है, कैश सेट बैंक भी डाल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दी, प्लांट एंड मशीन डाल दी, सब डाल दिया, डेटर डाल दिया था। अब मेरे को बस बैटअप की ट्रांजेक्शन नहीं है, फर्दर बैटअप कितने है 10,000 रुपए, फर्दर बैटअप 10,000 रुपए, माइनस कर देंगे 10,000 में से, माइनस कर 70 बच गया, तो यही सब कैलकुलेशन कर लेते भाई, 80,000 है, 10,000 माइनस कर 70, तो 70 में निकले, ओवर प्रोविजन मेंटेन करना है ना, आ गया 10% का प्रोविजन मेंटेन करो इंटू 10% 7,000 रुपए, 7,000 है, माइनस कर देना, आया समझ नहीं आया भाई, 70 का 10% निकाल दिया, एट द रेट 10% किसका 70 का, तो 7,000 आ गया, भैया मैंने कहा भाई 70,000 में से 7,000 गया तो 63,000 बच गया, 63,000 भाई टोटल कर देंगे, आंसर मैच हो जाएगा आपका, 15,000 प्लस 120,000 प्लस 63,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 प्लस 25,000 20,000 60,000 और 10,000 435,000, देखो मैच कर लिया बैलेंस 435,000, ठीक है, इसका एक बार टोटल इसका भी करना है, क्रेडिट साइड का अभी डेबिट का करा है 435,000, इधर भी इतना ही आएगा मेरे दोस्त, बैलेंस शीट हमेशा मैच करती है जब अपने अगर सही से इफेक्ट दिया हो, कर लेते हैं पहले 276,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 46,000 प्लस 40,000 प्लस 23,000 प्लस 20,000 435,000 आंसर आ रहा है, बैलेंसड मैच, बैलेंसड मैच होगी दोस्तों। अगली लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दो कौन कौन से कराऊंगा देख लो, इधर 7 हो चुका, 8 हो चुका, 9 हो चुका, अगली लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इसको करने में, ठीक है, ट्रांजेक्शन देख लो आप बहुत ही, अब आपको समझ में आ रहा है एडिशन कितनी सिंपल है, 11 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, 11 में ये ट्रांजेक्शन है, ये सारी करा चुका मैं, एक भी नहीं छुड़वाई, ठीक है, बस 13 क्वेश्चन बाद में करेंगे, 13 क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, और इसके अंदर आ जाता है बताओ क्या, मैनेजर कमीशन, इसके अंदर मैनेजर कमीशन आ जाता है दोस्तों, देखो जनरल मैनेजर कमीशन, वर्क मैनेजर कमीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, आज क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।